इरफान, ये कौन है? ये मोना है, मेरी यूनिवर्सिटी फ्रेंड। फिर तो आप बिल्कुल सही टाइम पे आई हैं मोना। खाना खा के जाइएगा। इरफान, ये कौन थी? किंजा। किंजा? मेरी वाइफ। हमारा निकाह हो चुका है। निकाह कर रहे हो? मुझे बताए बगैर निकाह कर रहे हो? मैं तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, तुम्हें मुझे हर बात बतानी चाहिए। हाँ, तो तुमने भी तो मुझे बताए बगैर। Leave it, Mona। ये कब हुआ? तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अच्छा, हम लोग आते हैं। अरे भाई, फिक्र ना करो, हम लोग बस थोड़ी देर में आ रहे हैं। Oh my God, आपकी सियालकोट वाली ताई गुजर गई? नहीं भाई। तो आपके वो हैदराबाद वाले मामू चल बसे होंगे जिनको वो दिल की तकलीफ थी। ये तुम मेरे खानदान वालों के पीछे क्यों पड़ गई हो? मेरे खानदान वाले बिल्कुल ठीक है। सिक्योरिटी कंपनी का फोन था, आज सुबह हमारे घर में चोरी हुई है। What? ये तो बहुत बुरी खबर है। क्या क्या चला गया? और ये सिक्योरिटी वाले क्या कर रहे थे? सेफ टूटा हुआ था, तो जाहिर सी बात है कि ज्वेलरी और कैश चोरी हुई है, और बाकी का वहां जाकर पता चलेगा। सिक्योरिटी कंपनी का कहना था कि किसी ने शरबत में बेहोशी की दवाई मिलाकर नौकरों और गार्ड्स को दी थी, और फिर उसके बाद अपना काम किया। मेरी ज्वेलरी, उसमें तो बहुत रेयर डायमंड्स थे। अब मैं क्या पहन पहन के लोगों को जलाऊंगी? तुम और बाबर ना अपनी नौइयत के एक ही पीस हो। ऐसे मौकों पर तुम दोनों ही ऐसी बातें सोच सकते हो। कोई ताने मारने का मौका ना मिस कीजिएगा। मैं इतनी टेंस टू स्ट्रेस्ड आउट हूँ और आपको मजाक की पड़ी हुई है। प्लीज अब चलें, लेट्स गो होम एंड फाइंड आउट कि क्या डैमेज हुआ है। नहीं, अगर हम दोनों चले गए तो आयान का ख्याल कौन रखेगा? हमारा वहाँ जाना इस वक्त बहुत जरूरी है, यहाँ वो लोग मैनेज कर लेंगे। लेट्स गो फाइंड आउट कि क्या डैमेज हुआ है, कितना फटका लगा है, कितना नुकसान हुआ है। वी हैव टू गो, आई एम सो स्ट्रेस्ड। बात ही नहीं करना चाह रही। एटीट्यूड। हाँ, ये आपकी शादी का कार्ड। देखो, ये हमारी क्लास फेलो मोना खालिद की शादी का कार्ड है। मैं मोना खालिद।